तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने 10वें क्वेश्चन तक कर लिया था। अब 11वां करते हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सी एच थ्री ओ एच शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर सी एच थ्री ओ एच। तो कह रहा है सी एच थ्री ओ एच के कितने ग्राम की जरूरत है कि हम लोग 150 ml जिसकी मोलरता 2 हो वो विलयन तैयार कर सके। तो मोलरता वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे। जब यही फार्मूला लगाएंगे तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या आएगी। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला लगाया, कह रहा है सिंस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी एच थ्री ओ एच इज 32, तो सी एच थ्री ओ एच का मोलर द्रव्यमान 32 है और क्वांटिटी जो है सी एच थ्री ओ एच की वो कितनी 150 ml हमको बनाना है। अब 2 मोलर है तो मोलरिटी का मतलब होता है कि विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में, तो विलेय के मोल कितना है 2 बटे 1 लीटर विलयन मतलब 1000 ml, ये हो गया। और इसके बाद इसको इस तरह लिखिए। तो ये देखिए मोलरिटी का फार्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू 1000 W/mv, जहाँ V आयतन है और M हमारा मोलर द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान है। तो W बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल M यानी मोलरिटी इंटू M इंटू वी अपॉन 1000। तो मोलरिटी कितनी है 2 और मोलर द्रव्यमान कितना है 32, तो 32 रख दिया। और आयतन कितना है वी लिखना है, आयतन कितना है 150 ml, तो 150 लिख दिया बटे 1000 कर दिया। तो यह आ गया 9.6 ग्राम। तो 9.6 ग्राम हमको सी एच थ्री ओ एच की जरूरत है 2 मोलर 150 ml विलयन बनाने के लिए। तो 11 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। तो ये देखिए कह रहा है कि वाटर एयर के साथ एक मिक्सचर है और वाटर एयर का मिक्सचर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ना पता चल रहा है कि वाटर है ना पता चल रहा है कि एयर है, दोनों इस तरह से मिक्सचर है। कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। तो जो वाष्प है पानी की हवा के साथ उसका मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02। कह रहा है अगर इफ द टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 1.2 m, अगर कुल दाब उस अति संतृप्त हवा का 1.2 atm है अति संतृप्त हवा का, तो कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज, तो आंशिक दाब क्या होगा उस शुष्क हवा का जिसमें पानी ना मिला। तो फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि हवा और पानी का अति संतृप्त विलयन है और उस विलयन में जो वाष्प दाब है, तो नहीं वाष्प जो है उसका मोल अंश कितना है 0.02 है और टोटल दाब कितना है 1.2 atm। तो कह रहा है कि वाटर और हवा दोनों का मोल अंश मिला के इतना है, द मोल अंश ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। तो जो जो भी लिखा है उसको एक एक करके देखते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वाटर वेपर का जो दाब है तो उसका फार्मूला हमको पता है कि मोल अंश वाटर वेपर के और कुल दाब, ये फार्मूला होता है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वाटर वेपर का दाब कितना आ जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर का हमको मोल अंश दे दिया है और कुल दाब दे दिया है, तो वाष्प जो है पानी की वाष्प है उसका दाब कितना आ जाएगा, वाटर वेपर का मोल अंश 0.02 है इंटू कुल दाब 1.2 है, तो आ गया 0.02 4 atm।
अब वाटर वेपर का दाब आ गया और कुल दाब हमको दिया है, तो कुल दाब में अगर जो वाष्प है हवा की उसको घटा दें तो जो सूखी हवा है बिना पानी वाली उसका दाब आ जाएगा। तो ये पी टोटल इक्वल टू पी वाटर वेपर प्लस पी ड्राई एयर, शुष्क हवा उसमें पानी जो है उसका, दोनों का मिला दिया जाए दाब तो कुल दाब होगा, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो कुल दाब 1.2 है और वाष्प दाब का हमने निकाल लिया 0.0248 एम, और ड्राई एयर का निकालना है तो ड्राई एयर का निकालेंगे तो 1.2 में 0.024 घट जाएगा तो आ जाएगा 1.1768 एम। आप देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पार्शियल प्रेशर का मतलब आंशिक दाब। अब जैसे हवा और पानी दोनों हैं एक बर्तन में भर दिया जाए तो एक के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा उसी को उसका पार्शियल दाब या आंशिक दाब कहेंगे। तो वही कह रहा है कि जो आंशिक दाब है ये एक तरह से आंशिक दाब है वाष्प का। तो अगर ये पी टोटल हटा दिया जाएगा तो समानुपाती हो जाएगा एक्स के। तो वही लिख रहा है कि जो आंशिक दाब है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये 12 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स। अब देखिए शुद्ध, प्योर का मतलब शुद्ध, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको जीरो लिखा जाता है, पीए जीरो। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हम पीए और पीबी मानेंगे तो पीए और पीबी के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है शुद्ध अवस्था में ए और बी जो लिक्विड हैं, तरल पदार्थ हैं, उनका वाष्प दाब दिया गया है पीए और पीबी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। ये आदर्श बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब दो इसमें है, ए और बी दो हैं तो बाई का मतलब दो, अगर तीन होते तो ट्राई लिखा होता, चार होते तो टेट्रा लिखा होता, तो दो है इसलिए बाइनरी लिखा है। और आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन है, यानी समान ताप और दाब पर किसी भी सांद्रता तक किसी भी कंसंट्रेशन पर ये राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, इसलिए आदर्श विलयन या आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन लिखा है। कह रहा है इफ एक्स से रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अगर एक्स ए जो है मोल अंश है ए वाले विलयन का, तो कह रहा है ए वाले भाग का, तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का। तो कुछ नहीं है, सीधा फार्मूले पर आधारित है, फार्मूला देखते हैं और आंसर आ जाएगा। तो देखिए राउल्ट का नियम लगा देंगे तो राउल्ट के नियम के अनुसार दो भाग हैं पीए और पीबी, तो पी बराबर होता है मोल अंश ए के गुणे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब प्लस मोल अंश बी के गुणे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बी का फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अब चूंकि दो चीजें हैं तो ए और बी के जो मोल अंश हैं वो बराबर होंगे एक, क्योंकि विलयन में सिर्फ दो ही चीजें हैं और जितनी चीजें विलयन में होती हैं उनका कुल टोटल मोल अंश एक होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा एक हो गया, तो एक्स बी कितना हो जाएगा एक में घटा दें एक्स ए को। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रख देना एक्स बी की जगह, तो ये रख दिया पी इक्वल टू ये यही से रहेगा एक्स ए पी ए प्लस दूसरे में एक्स बी की जगह 1 - xA रख देंगे, तो 1 - xA पी बी इक्वल टू एक्स ए पी ए प्लस पी ए पी बी माइनस एक्स ए पी बी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा पी बी प्लस अब एक्स ए कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से 13 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 mmHg एंड 41.5 mmHg रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है वाष्प दाब क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमीथेन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 mmHg है और 41.5 mmHg है क्रमशः।
कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट द सेम टेम्परेचर विल बी। कह रहा है अगर इसी तापमान पर हम 25.5 ग्राम क्लोरोफार मिला दें और 40 ग्राम डाईक्लोरोमीथेन मिला दें तो विलयन का दाब कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो सीधा वही फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास दे दिया CaCl3 का 109.5 यूनिट और CH2Cl2 का दे दिया है 50 यूनिट। सीधा फार्मूला है, फार्मूले पे क्वेश्चन सीधा निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिए CaCl3 और CH2Cl2 का वाष्प दाब दिया है, तो जब ये अकेले थे तो शुद्ध अवस्था में होंगे, तो देखिए 0 लिखा है। तो शुद्ध CaCl3 का वाष्प दाब कितना है, 200 mmHg। शुद्ध CH2Cl2 का P0CH2Cl2 41.5 mmHg है। अब देखिए अब मोल इसी हिसाब से निकाल लेंगे, तो मोल निकालेंगे तो मोल CaCl3 का होता है मॉलिक्यूलर वेट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर मोल क्यों निकाल रहा है, क्योंकि आगे जब टोटल प्रेशर निकालेंगे तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मोल अंश आएगा, तो पहले ही हम मोल निकाल के मोल अंश निकाल लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं फंसेगी। तो क्वेश्चन में कोई चीज क्यों निकाल रहा है इसको समझने का भी प्रयास करिए। तो मोल अंश इसलिए निकाल रहा है कि आगे देखिए इस फार्मूले में ये मोल अंश रखना पड़ेगा, तो इसलिए मोल निकाल लेगा, मोल से मोल अंश निकाल लेगा। तो आगे क्वेश्चन में जो जो जरूरत है वो पहले ही निकाल लेना है। तो मोल आप CaCl3 हो जाएगा CaCl3 का भार बटे इसका अणु भार, तो यह जाएगा क्वेश्चन में भार हमको दिया है 25.5, मॉलिक्यूलर वेट भी क्वेश्चन में दिया है 119.5, तो ये आ जाएगा 0.213। अब मोल साफ CH2Cl2 के मोल कितना होंगे, तो इसका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 40 ग्राम हमको दिया है क्वेश्चन में और इसका मोलर द्रव्यमान 85 भी दिया है, तो ये आ जाएगा 0.470। अब मोल अंश एक एक के निकाल लेंगे, तो जिसका निकालेंगे उसका ऊपर बटे टोटल, तो इसका निकालेंगे CaCl3 का तो ऊपर बटे ये दोनों टोटल हो जाएंगे, तो देखिए ऊपर लिख दिया बटे ये टोटल में इसको प्लस इसको कर दिया, तो ये आ गया 0.31। अब XCH2Cl2 का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर तो ये ऊपर बटे ये टोटल, तो 0.470 upon 0.213 plus 0.470, तो ये आ गया 0.69। तो मोल अंश आ गए, अब सीधा फार्मूला लगा देंगे। तो ये फार्मूला लगा दिया पी टोटल यानी विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध अवस्था में CaCl3 का वाष्प दाब गुणे CaCl3 के मोल अंश प्लस शुद्ध अवस्था में CH2Cl2 का वाष्प दाब गुणे CH2Cl2 के मोल अंश। सीधा रख दिया P0CaCl3 कितना है 200 गुणे XCaCl3 कितना है 0.31 प्लस P0CH2Cl2 कितना है 41.5 गुणे XCH2Cl2 कितना है 0.69, तो ये हो जाएगा 62 + 28.63, तो आ जाएगा 90.63 mmHg। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 99 सही है, 14 में कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सॉल्यूशन है जो 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्जेन। तो पेंटेन और हेक्जेन है हमारे पास और उनके मोल का रेशियो क्या है, मोल का अनुपात क्या है, 1:4। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 440 mmHg फॉर पेंटेन एंड 120 mmHg फॉर हेक्जेन। कह रहा है शुद्ध अवस्था में ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो पेंटेन और हेक्जेन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, इसीलिए हाइड्रोकार्बन कह रहा है। तो हाइड्रोकार्बन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेंटेन का शुद्ध अवस्था में दाब कितना है 440, हेक्जेन का शुद्ध अवस्था में कितना है 120 mmHg। तो कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज वुड बी, वाष्प अवस्था में पेंटेन का मोल फ्रैक्शन कितना, सीधा सीधा निकलेगा, सीधा फार्मूले पर आधारित, तो इसको देखते हैं। तो देखिए Nc2H पेंटेन यानी C5H12 पेंटेन का फार्मूला है अपान नीचे N हेक्जेन, हेक्जेन का फार्मूला है
C6H14। तो ये अनुपात हमको दिया है, मोल का अनुपात 1/4 है। तो अगर हमको पेंटेन का मोल अंश निकालना है तो जिसका निकालना है वो बटे टोटल, तो पेंटेन का निकालना है तो वो बटे टोटल 1 + 1 + 4, तो यानी 5। अब हेक्जेन का निकालना है तो जिसका निकालना है उसका ऊपर बटे टोटल, तो 4/1 + 4, तो 5 हो गया। तो P0C5H12 कितना हो गया, 400। ये दिया है क्वेश्चन में शुद्ध अवस्था में पेंटेन का वाष्प दाब 440 mmHg दे दिया, शुद्ध अवस्था में हेक्जेन का वाष्प दाब 120 mmHg, यह क्वेश्चन में दिया गया है। अब जो है मोल अंश भी हमने निकाल लिया और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हमको पता है, तो सीधा फार्मूला लगा देंगे, पी टोटल इक्वल टू शुद्ध अवस्था में पेंटेन का वाष्प दाब गुणे इसके मोल अंश प्लस शुद्ध अवस्था में हेक्जेन का वाष्प दाब गुणे इसके मोल अंश। अब सब कुछ हमको पता है, केवल वैल्यू रख देना। तो यहाँ वैल्यू रख दिया पी टोटल में, तो आ गया 440 × 1/5 प्लस 120 × 4/5 बराबर आ जाएगा 184 mmHg। ये आ गया हमारा राउल्ट के नियम से। अब देखिए फिर राउल्ट का नियम लगा देंगे हम लोग। ये देखिए कुल वाष्प दाब आ गया विलयन का हमारे पास, ये विलयन का आ गया कुल वाष्प दाब। अब देखिए अब एक एक का आंशिक दाब हमको निकालना है, तो एक एक का अगर हम आंशिक दाब देखिए, ये कुल विलयन का वाष्प दाब आ गया कब, चूंकि हमने यहाँ पर राउल्ट का नियम लगाया है तो राउल्ट का नियम विलयन के लिए लागू होता है, तरल अवस्था में लिक्विड अवस्था में। ध्यान दीजिए राउल्ट का नियम विलयन के लिए है, वाष्प अवस्था में नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। वाष्प दाब वाष्प अवस्था के लिए डाल्टन का नियम है, ये NCERT में दिया हो या न दिया हो क्वेश्चन आया है पूछा जा सकता है, तो इसको हम बता रहे हैं। तो राउल्ट के नियम के हिसाब से अगर आंशिक दाब निकालना है C5H12 का, तो वैसे ही करेंगे शुद्ध अवस्था में पेंटेन का वाष्प दाब गुणे मोल अंश। तो पेंटेन का मोल अंश XC5H12 बता रहा है कि ये पेंटेन का मोल अंश है विलयन की अवस्था में, जब विलयन है यानी लिक्विड है। अब देखिए डाल्टन का नियम इसमें लगा देंगे, अगर हमको वाष्प अवस्था में कुछ काम करना है तो वहां डाल्टन का नियम लगता है, और अगर विलयन की अवस्था में काम करना है तो वहां राउल्ट का नियम लगता है। इसको ध्यान दीजिए, जब राउल्ट डाल्टन का नियम राउल्ट का नियम लगाते हैं तो मोल अंश विलयन में प्राप्त होते हैं, उसका फार्मूला है कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जिसका भी निकालना हो आंशिक दाब और गुणे उसके मोल अंश विलयन में जो होंगे। लेकिन जब डाल्टन का नियम लगाते हैं तो आंशिक दाब वाष्प अवस्था में पेंटेन का अगर निकालना है तो पेंटेन के मोल अंश वाष्प अवस्था में गुणे कुल दाब पी टोटल। तो यहां पर देखिए कह रहा है X-C5H12 मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन एबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर विलयन के ऊपर यानी जो वाष्प बनी हुई है, तो फ्रॉम 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 से PC5H12 कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा ये है और 2 हमारा ये है, तो 1 और 2 से अगर हम लोग तुलना करें तो PC5H12 आ जाएगा हमारा, ये देखिए पेंटेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 440 है और मोल 1/5 है। तो यहाँ पर पेंटेन का आंशिक दाब में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 440 गुणे इसके मोल अंश 1/5, तो इसका आंशिक दाब आ गया 88 mmHg। अब डाल्टन के नियम से वाष्प अवस्था में अब हमको इसके मोल अंश अगर निकालना है तो यही आंशिक दाब यहाँ रख देंगे, तो 88 आ गया जो निकाले हैं बराबर X-C5H12 गुणे पी टोटल, कुल दाब आया है विलयन का 184 mmHg, तो 184 रख दिए। तो ये हमारे पास आ गया X-C5H12 यानी पेंटेन के मोल अंश वाष्प में, विलयन में नहीं वाष्प में, कितना आ गया 88/184। ये निकालना है तो 88/184 होगा, तो आ गया 0.478। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है,
डी आंसर हमारा 15 का करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू आर 80 एंड 60 टार। कह रहा है वाष्प दाब दो विलयन लिक्विड हैं, तरल हैं पी और क्यू, उनके क्या क्या हैं 80 टार है और 60 टार है। अगर कह रहा है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ क्यू। अगर इसी पी क्यू के 2 और 3 मोल पी का और 2 मोल क्यू के मिला दिए जाए तो कह रहा है जो विलयन तैयार होगा उसका कुल वाष्प दाब कितना होगा हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर वही राउल्ट का नियम लगा देंगे। तो राउल्ट का नियम से P टोटल यानी कुल दाब बराबर जिसका निकालना है वो शुद्ध अवस्था में P का दाब वाष्प दाब गुणे ये उसके मोल अंश P के प्लस शुद्ध अवस्था में Q का वाष्प दाब गुणे Q के मोल अंश। तो P नॉट P लिखा हमको दिया है 80 टॉर, P नॉट Q दिया है 60 टॉर और मोल अंश P के दिया है पी के मोल अंश। देखिए 3 मोल अंश पी के हैं और 2 मोल अंश क्यू के हैं, 3 मोल पी के हैं और 2 मोल क्यू के हैं। तो अगर मोल अंश निकालना हो तो क्या करते थे हम लोग, जिसका निकालना हो उसका ऊपर बटे टोटल। तो पी के मोल हमारे 3 है तो 3 बटे टोटल कितना होगा 3 पी के और 2 क्यू के, तो पी प्लस क्यू यानी 3 × 5 तो 3/5 हो गया। अब क्यू का मोल अंश निकालना है तो क्यू के मोल बटे टोटल, क्यू के मोल हमको क्वेश्चन में दिए हैं 2/टोटल कितना होगा, पी वाला भी जुड़ेगा तो 3 × 5 तो 5 का भाग दे दिए। अब पी टोटल हो गया 80 जो दिया है पी नॉट पी 80 दिया है गुणे एक्स पी हमको मोल अंश पी के कितने हैं 3/5 प्लस पी नॉट क्यू कितना है 60 गुणे मोल अंश क्यू के कितने हैं 2/5 तो आ गया 72 टॉर। तो 16 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है कि धनात्मक विचलन राउल्ट्स लॉ से ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा देगा। तो धनात्मक विचलन में सबसे पहले समझिए कि वाष्प दाब में उन्नयन होना चाहिए, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो जिसमें भी वाष्प दाब ज्यादा होगा वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बता रहा है कि जो इथेनॉल और एसीटोन है यह पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ में, तो कैसे करेगा इसको हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH और एसीटोन का फार्मूला होता है CH3C(OCH3)। ये एसीटोन का फार्मूला है और ये इथेनॉल का फार्मूला है। ये जब हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे। अब देखिए इथेनॉल में ये हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। तो हाइड्रोजन आबंध में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मक का मतलब जो आबंध है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएंगे तो ये प्लस डेल्टा हो जाएगा, इसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा, इसमें आंशिक ऋणावेश। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये भी उच्च विद्युत ऋणात्मक है तो ये क्या करेगी, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के ये भी ऋणात्मक होना हो जाएगी ऋणात्मक। और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जब ये ऋणात्मक होगा तो इसकी ओर खींचेगा, जब इसकी ओर खींचेगा तो खींच करके टूट जाएगा, टूट सकता है यानी ये जो आबंध है ये वीक होगा, कमजोर होगा। तो जब आबंध कमजोर होगा तो ये आपस में मिल नहीं पाएंगे, जब मिल नहीं पाएंगे ऊपर से संभावना रहेगी कि ये टूट भी जाए, हाइड्रोजन H प्लस के रूप में टूट के इधर आ जाए तो ये अणु और हल्का हो जाएगा,
जब हल्का होगी कोई चीज तो गर्म करने में आसानी से उड़ेगी, जब आसानी से उड़ेगी तो वाष्प ज्यादा बनेगी, जब वाष्प ज्यादा बनेगी तो जाहिर सी बात है कि वाष्प दाब ज्यादा होगा, और वाष्प दाब ज्यादा होगा तो इसी को राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा क्योंकि वाष्प दाब में उन्नयन है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको देखते हैं, पढ़ के और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसने देखिए आंसर में बताया है हमसे कि मिक्सचर जो इथेनॉल और एसीटोन का है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब कैसे करेगा वो हम बता रहे हैं। तो इन प्योर इथेनॉल, जब शुद्ध अवस्था में इथेनॉल होता है तो मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, मॉलिक्यूल जो अणु होता है उसमें हाइड्रोजन आबंध बने रहते हैं। ऑन एडिंग एसीटोन, जब इसमें एसीटोन जोड़ दिया जाता है, यानी अब एसीटोन डाल दिया जाता है, तो इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। तो क्या होता है, ये एसीटोन एल जो इथेनॉल है C2H5OH इसके बीच में आ जाता है, बीच में आ करके कुछ हाइड्रोजन आबंध को तोड़ देता है। जब कुछ हाइड्रोजन आबंध को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, कह रहे हैं ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन आबंध, तो अब जो इथेनॉल था वो हल्का हो जाएगा। हल्की चीज ज्यादा उड़ती है, समझने के लिए बता रहे, करा ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन। अब जाहिर सी बात है आबंध टूट देगा, टूट जाएगा तो आकर्षण अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। द सोल्यूशन सोच पार्टिव टेफ्यूशन फ्रॉम राउटलर, जब अंतराणविक बल आकर्षण कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है कि अणु एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, तो हल्का अणु उड़ने में आसानी रहेगी, तो वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो वाष्प दाब में उन्नयन होगा, तो राउल्ट नियम से डेविएशन पॉजिटिव होगा। 17 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। तो देखिए अन्य विकल्प बेंजीन और टालुइन है, ये भी कार्बनिक है, हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन, इनके बीच कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेगा। एसीटोन क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म CaCl3 होता है, एसीटोन हमने बता दिया, इसके बीच भी कोई ऐसी चीज नहीं। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, ये भी देखिए एक जगह क्लोरीन जोड़ देंगे, एक जगह ब्रोमीन, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का हमारे हाइड्रोजन आबंध नहीं है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आबंध नहीं है, तो पॉजिटिव डेविएशन वाली कोई बात नहीं होगी। 17 का ये विकल्प हमारा करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, कह रहा है अगर हमारे पास आदर्श विलयन है तो उसके लिए सही विकल्प कौन सा है, ये हमको बताना। तो देखिए आदर्श विलयन हम उसको कहते हैं जिसमें विलेय और विलायक मिलाने से पहले जितना उनका आयतन होगा, मिलाने के बाद अगर टोटल करें तो जितना जोड़ने पर आयतन आएगा उतना ही होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। दूसरी बात, विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाया जाए, मिला करके सॉल्यूशन यानी विलयन बनाया जाए, तो ना तो ऊष्मा निकलनी चाहिए ना उसको प्राप्त होनी चाहिए, यानी मिलाने से पहले आयतन नियत होना चाहिए, जितना मिलाने से पहले आयतन होगा टोटल उतना ही बाद में होगा, मिलाने से पहले विलेय विलायक को यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के पहले जितनी ऊष्मा होगी बाद में भी उतनी ही ऊष्मा होनी चाहिए, यानी डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होगा और डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होगा, उसी को हम आदर्श विलयन मानेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या स्थिति बनेगी। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होना चाहिए, यानी मिलाने के बाद ऊष्मा का आदान प्रदान जितना पहले थी उतना बाद में, मिलाने के बाद जितना आयतन है उतना पहले, यानी अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर जीरो होना चाहिए, परिवर्तन जीरो होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक नियत ताप और दाब पर, ये लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें किसी चीज की तुलना करना है तो एक नियत स्थित बनानी पड़ेगी। तो 18 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 का डी विकल्प डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें एक ही दिया है तो वही सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, एजियोट्रॉप का मतलब है सम क्वथनांकी, मतलब क्वथनांक जिनका समान होगा जिन ब्लेंड का उन्हीं को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। तो कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा ये हमको बताना है। एजियोट्रॉपिक को हम लोग स्थिर क्वाथी भी बोलते हैं, यानी क्वथनांक दोनों का बराबर रहेगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर फाउंड बाय दो सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसको ध्यान दीजिए कि जो स्थिर क्वाथी ब्लेंड बनाते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं जो राउट ला से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण विलयन वो बनाते हैं जो राउल्ट नियम से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास पानी है, पानी को एच ओ एच लिख सकते हैं, हमारे पास HNO3 है तो HNO3 को हम लोग N डबल बॉन्ड O O H इस प्रकार से लिख सकते हैं। HNO3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने बांड बना लिए तो 2 इसके पास बचे रह जाएंगे। इस तरह से हम इसलिए बना रहे हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इसमें भी है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इसमें भी, ये और दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है। ये इधर ऐसे तीर लगा दें अगर हम तो ये हो जाएगा कि दोनों पूरे नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, लेकिन समझाने के लिए बना दिया है। तो ये जो है हाइड्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन आबंध बना रहा है। जब हाइड्रोजन आबंध, हमने आपको बताया था कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 3 हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के माइनस डेल्टा होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये आंशिक धनात्मक होगा, इसी प्रकार ये आंशिक ऋणात्मक होगा, ये आंशिक धनात्मक होगा। अब ये धन और ये ऋण हो गए तो ये आपस में हाइड्रोजन आबंध बना लेंगे, जब आपस में बना लेंगे तो 2 अणु अब एक साथ रहेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। अब जब गर्म करेंगे तो एक आसानी से उड़ जाता था, अब जब 2 साथ में उड़ेंगे तो कठिनाई होगी, तो 2 जब साथ में उड़ेंगे तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, या यूं कहें कि अब उतने ही तापमान पर भाप कम बनेगी, जब भाप कम बनेगी तो वाष्प दाब कम होगा यानी राउल्ट लॉ से ऋणात्मक विचलन होगा, तो इसीलिए निगेटिव डेविएशन कर रहा है। तो 19 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो कह रहा है कि 2 हमारे पास विलयन है ए और बी, जो कि जो आदर्श नियम कानून है उससे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब कंपोनेंट देखिए बनाते हैं, 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, तो ए ए और बी बी, तो इनका स्वयं का जब ज्यादा होता है, इसका स्वयं का जब ज्यादा होता है, इसमें मान लीजिए एक विलेय है एक विलायक है, तो आपस का आकर्षण जब ज्यादा होता है तो निगेटिव डेविएशन होता है, नहीं आपस का जब होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है,
क्योंकि ये आपस में रहेंगे तो छोटे छोटे रहेंगे, तो उड़ने में आसानी होगी क्योंकि हल्के रहेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। यानी कहने का मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचे या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के आपस में एक दूसरे को खींचे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में खींचने लगे और ये मैक्सिमम हो गया तो फिर निगेटिव डेविएशन होगा, यानी ऋणात्मक विचलन होगा। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा अणु, बड़े अणु को उड़ने में कठिनाई होगी, जब उड़ने में कठिनाई होगी तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब कम होगा तो विचलन ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए और बी के बीच अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और आपस में ए और बी बी के बीच कम होगा तो निगेटिव डेविएशन होगा। तो इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन हमसे पूछ रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन में देखिए, कह रहा है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए ए एंड बी बी आर इक्वल टू दोज बिटवीन ए एंड बी। तो ये सही है हमारा, इसको देखते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए ए एंड बी बी आर स्ट्रांगर देन दोज बिटवीन ए बी। स्ट्रांगर मैक्सिमम हाई स्ट्रांगर ए वाला सही है। ए ए यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच और बी बी यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच अगर बल मजबूत है ए बी की तुलना में, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कमजोर है, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ए विकल्प हमारा करेक्ट है और कह रहा है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी। कह रहा है कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन अगर प्रदर्शित करेगा तो उसका मतलब ये है कि ए और बी मतलब अलग अलग अणुओं के बीच कमजोर होगा आकर्षण और स्वयं के अणुओं के बीच मजबूत होगा। इन दिस केस द इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन द दोज बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसी को बाद में कह दिया कि विलेय विलेय के अणुओं के बीच और विलायक विलायक के अणुओं के बीच से विलेय और विलायक के अणुओं यानी अदले बदले अणुओं के बीच आकर्षण कमजोर होगा और स्वयं सम के बीच मजबूत होगा, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच मजबूत होगा। दिस मीन दैट इन सच सॉल्यूशन मॉलिक्यूल ऑफ ए आर बी विल फाइंड इजियर टू स्केप देन इन प्योर स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में शुद्ध अवस्था की तुलना में विलयन में ए हो या बी हो आसानी से स्केप करेगा, यानी विलयन की सतह को छोड़ देगा, यानी वाष्प बनाएगा ज्यादा, तो वाष्प दाब होगा ज्यादा तो धनात्मक विचलन होगा। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन। जिससे क्या होगा कि वाष्प दाब बढ़ जाएगा और धनात्मक विचलन शो करेगा। तो 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब 21 नंबर क्वेश्चन आगे आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।